और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। चलिए सीधे आपको हनुमानगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। काम चल रहा है, पंचायतों को पैसा भी नहीं आ रहा है। हमारे सरपंच से लेकर के पंचायत समिति लेकर प्रधान से लेकर के सभी परेशान रहते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, समय पर सरपंचों का पैसा जो आता है, जो इन्होंने रोक रखा था, पूरा का पूरा पैसा उसी हिसाब से आएगा, जिससे मेरे गांव का विकास पूरी तरह से हो सके। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक जहां बड़ी परेशानी हो रही थी, और गंगानगर हनुमानगढ़ में तो बहुत ज्यादा परेशानी थी, क्योंकि मैंने देखा कि गंगानगर हनुमानगढ़ में पड़ोसी राज्य से पेट्रोल डीजल कितना महंगा है, कितना महंगा है। आपने किसी ने मांग तो नहीं की हमसे, आपने किसी ने मांग तो नहीं की, लेकिन हम डीजल पेट्रोल के दाम भी घटाने का काम किए, और जो असंतुलन था यहां कुछ महंगा, जयपुर की रेट कुछ थी, बीकानेर की कुछ थी, जोधपुर उदयपुर की कुछ थी। मैं आपको कहना चाहता हूं, वो काम भी हमने किया, और सबसे ज्यादा उसका फायदा गंगानगर और हनुमानगढ़ के किसानों को फायदा हुआ, यहाँ की जनता को फायदा हुआ। पेट्रोल में 7.5 रुपए, आपके पेट्रोल में 7.5 रुपए घटाने का काम किया, डीजल में 6.28 रुपए घटाने का काम किया। ये हमारी सरकार ने इस काम को भी किया है। आपने किसी ने मांग की थी क्या? आपने किसी ने कहा था क्या? लेकिन हम जानते हैं किसान के दर्द को, हम किसान की परेशानी को जानते हैं। हमने तुरंत डीजल पेट्रोल से भी पैसा घटाने का काम हमारी सरकार ने 3 महीने में किया। यही नहीं मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसान को सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी होती है? उसको पानी खेती के लिए मिले, पीने के लिए पानी मिले। हमने 21 जिलों की ईआरसीपी की योजना को, जो कांग्रेस अटकाने का, लटकाने का, भटकाने का काम करती थी, उस योजना को भी हमने पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों को लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। उनको 21 जिलों को पीने को पानी भी मिलेगा, और 2,80,000 हेक्टेयर में सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। ये भी काम हमारी सरकार ने किया है। आपने देखा होगा, सीकर, चूरू, झुंझुनू हमारे शेखावाटी के तीनों जिले हैं। यमुना समझौता का मांग बहुत लंबे समय से चल रही थी, लेकिन कहते थे कि साहब हरियाणा वाले तो हाथ ही नहीं रखने देते, वो तो पानी की बात करते हैं तो बात ही नहीं करते हैं। कांग्रेस के लोग हमेशा कहते थे, एक झुंझुनू में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो तो जैसे ही चुनाव आते थे वहां भाटा लगवा देते कि यमुना का पानी लेके आ रहा हूं, चुनाव जीत जाते। 40 साल हो गए लेकिन कहीं पानी लेकर के नहीं आए। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि देश के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी कहते थे, क्योंकि वो किसानों के मसीहा थे, किसानों के दर्द को जानते थे, चौधरी साहब कहते थे कि किसान की समस्या जब सुनी जाएगी, जब किसान का बेटा निकल करके ऊंचे बस पर बैठेगा और ऊंचे पदों पर जाएगा, जब किसान की समस्या को सुनेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के लिए किया था, वो किसानों के मसीहा के रूप में आज भी लोग उनको जानते हैं। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने गरीबी देखी है, उनको प्रधानमंत्री बनाया तो वो सारी बातें जानते हैं, सारी बातें। एक मिनट में हमने कहा कि हमारी ईआरसीपी की योजनाएं, इसको समझौता कराइए, उसका भी करा दिया। हमने हरियाणा सरकार से हमारे तीनों जिलों की बात की तो उसका भी हो गया। और आपकी भी परेशानी है, आपके यहां श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में पानी आता है, पंजाब के अंदर 15 किलोमीटर वो कच्ची नहर है, उसको भी 267 करोड़ रुपए उसके लिए भी मंजूर किए हैं कि जिससे पानी की दिक्कत नहीं हो, आपके यहां भी वो पानी आ जाए।
मुझे पता है संजीव जी मेरे पास आते हैं, भादरा के पानी के बारे में मेरे से चर्चा करते हैं। कई बार उन्होंने कहा है कि यहां का समाधान तो हो गया, आपने सीकर चूरू झुंझुनू का कर दिया, पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों का कर दिया, उदयपुर का भी आपने देवास योजना से कर दिया, हमारे जैसलमेर बाड़मेर का हमारी नर्मदा आ रही है, सुजलाम सुबलाम योजनाएं उससे होने वाला है, मेरे इस भादरा का भी करिए। मित्रों में आपसे कहना चाहता हूं, भादरा का भी पानी की व्यवस्था की जाएगी, भादरा की भी, क्योंकि हम जानते हैं किसान हमारा खेत पर जाता है तो पहले पानी की बोतल साथ में लेकर के जाता है। हम जब प्लॉट बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो सबसे पहले पानी की आवश्यकता होती है, हमारे को सबसे पहले पानी की आवश्यकता होती है। और मैं यही कहना चाहता हूं मित्रों, अभी तो 3 महीने 90 दिन मौका मिला है हमें काम करने का, हमने जो आपसे वायदे किए थे वो 45% हमने पूरा करने का काम 90 दिन में किया है। 90 दिन में अभी हमारे पास बहुत सारी योजना है, किसानों की सम्मान निधि भी और बढ़ाने का काम है, गेहूं की MSP हमने बढ़ाई है, लेकिन कई बार मेरे से कह रहे हैं कि पहले खरीद इतनी होती थी, पहले अब इतनी होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, ये मुट्ठी भर कॉमरेड कितना करते हैं, कोई भी काम हो, मैं आपको एक कहना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों, मैं आपकी समस्या का तो समाधान कर सकता हूं, लेकिन आपके मनों को मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि आप देख रहे हैं, उन लोगों को देख रहे हैं, लगातार समस्याओं का समाधान हो रहा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं, कोई भी आता है पहुंच जाते हैं कि हमारे ये काम होना चाहिए। अरे भाई, समस्या विहीन समाज तो कभी नहीं हो सकता, समस्या विहीन गांव भी नहीं हो सकता, धीरे धीरे सारी समस्याओं का समाधान होता है, समस्या का समाधान होता है, मन का समाधान नहीं होता। ये कॉमरेड कॉमरेड और तो कुछ करते नहीं है, ये सिर्फ 4 लोग इकट्ठे होते हैं, कहीं ना कहीं अल्लाह मचाते हैं, कहीं ना किसी तरह से धन्यवाद देना चाहता हूं संजीव जी बेनीवाल साहब को कि उन्होंने यहां से पूरी तरह से साफ कर दिया, पूरी तरह से साफ कर दिया। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमेशा कांग्रेस की नीयत में फर्क रहा है, नीति और नीयत उसकी ठीक नहीं थी, नहीं तो उसका आप देखते रहे, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उसका डंका बोलता था, जनता समझ गई कि सिर्फ झूठ और लूट की कहानी कांग्रेस के पास है, झूठ और लूट की कहानी है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गारंटी देते हैं, और वो भी पूरा होने की गारंटी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपने लगातार 2014 और 2019 में 25 की 25 सीट दी है आपने, 14 में दी है, 19 में भी दी है, मुझे भरोसा है इस बार भी आप 25 की 25 सीट देने वाले हैं। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं मित्रों, अब की बार मार्जिन बड़ा होगा, मार्जिन बड़ा होगा, यह हमें ध्यान करना है। तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है तो हमको एक जज्बा लेना पड़ेगा, और वो ये लेना पड़ेगा कि अब की बार मार्जिन बड़ा होगा, एक भी बूथ ऐसा नहीं होगा जहां कमल का फूल नहीं खिलेगा, और कोई भी लोकसभा ऐसी नहीं होगी जहां 5 लाख से कम वोटों से जीतने वाली हो, 5 लाख वोटों से जीतने वाली हो, क्योंकि मुझे पता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राष्ट्रभक्ति पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, उनकी ईमानदारी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। 2014 से पहले भ्रष्टाचार कितने होते थे, 2014 के बाद में किसी को भ्रष्टाचार देखा है क्या, कोई भ्रष्टाचार आपने देखा है क्या?
ये कांग्रेस के लोग कहते थे कि हम एक रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचता है। अरे भाई वो चकली का रुपया भेजते थे क्या, सड़क से जाता था वो घिस जाता था, वो चकली का आता सड़क से आता था वो घिस घिस के 15 पैसे रह जाता था। मैं आपको कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बैंक में सभी गरीब भाइयों के खाता खुलवा करके 100 का 100 रुपया उनके खाते में जाता है, खाते में जाता है, कहीं भी कट मनी नहीं लगती है, कहीं भी उसमें से एक पैसा इधर उधर नहीं जा सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यह जो कार्रवाई है भ्रष्टाचार की हो रही है, नकलचियों पे हो रही है, ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये भ्रष्टाचारियों पर होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? ये जो नकल है जिन्हें युवाओं के सपने को तोड़ा, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब ये कहते हैं कि साहब इन पर कार्रवाई भ्रष्टाचारियों पर नहीं होनी चाहिए। दो है, मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खाया है तो वापिस निकलवा लूंगा। अब जब इनका वापिस निकल रहा है, कह रहे ये मुख्यमंत्री आ गया, अरे भाई गलत करेगा तो आएगा नहीं क्या, भ्रष्टाचार करेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा क्या? आप बताइए, भ्रष्टाचार करेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा क्या? अब मोदी जी पकड़ रहे हैं ना, तो इनको दर्द हो रहा है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस देश को मजबूत बनाना है, गरीबी को, दर्द को सुनकर के गरीबी को हटाना है, किसान भाइयों को मजबूत बनाना है, तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, आने वाली 19 तारीख को आपका अपना बेटा है जिसने चूरू का नाम रोशन किया है, राजस्थान का नाम रोशन किया है, भाई देवेंद्र जाजड़िया, उसने गोल्ड मेडल लेकर के आया है। मोदी जी जब कोई गोल्ड मेडल लेकर के आता है, सीधा उसका सम्मान करते हैं, उसको बुलाते हैं, देवेंद्र जाजड़िया को भी बुलाया, उसका सम्मान करने का भी काम किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्र, कि 2014 और 2019 को दोहराओगे ना, ज्यादा मार्जिन से दोहराओगे ना, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ज्यादा मार्जिन से हर बूथ जीते, 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते, एक बार हाथ उठाइए, ऊपर हाथ उठाइए, अरे पंजा मत उठाइए, हनुमान जी की मुष्ट का, हनुमान जी की मुष्ट का बांधिए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप हनुमानगढ़ से देख रहे थे, हनुमानगढ़ के भादरा से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जहां जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं एमएसपी से लेकर विपक्ष पर जमकर प्रहार भी किया। ऐसी मोर्चा के हमारे साथी, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। गृहमंत्री अमित शाह तूफानी दौरे पर हैं, अमित शाह की आज तमिलनाडु, यूपी और राजस्थान में ताबड़तोड़ रैलियां हैं, और साथ ही शाम करीब 4 बजे की बात करें तो अलवर में विराजमान होंगे गृहमंत्री अमित शाह, जहां वो बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे, उनके लिए वोट की अपील करेंगे। भूपेंद्र यादव जो कि कृषि मंत्री हैं केंद्रीय नेतृत्व में, उनको इस बार सांसदी के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट किया है बीजेपी ने, और उधर से एक युवा चेहरे को उतारा है मैदान में कांग्रेस ने, ललित यादव को। तो यादव बेल्ट को साधने की कोशिश आज गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा की जाएगी, जहां पर भव्य तैयारियां की गई हैं, लोगों का जमावड़ा भारी तादाद में हुआ है, लेकिन कब मंच पर पहुंचेंगे वो भी तस्वीर आपको दिखाएंगे। शाह की रैली में हिस्सा लेने के लिए अलवर जिले से बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई है, और इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस बार महिलाओं के लिए मुद्दे क्या हैं और वो क्या सोच समझ कर वोट करने जा रही हैं। अमित शाह की रैली को लेकर बहुत जोश है महिलाओं में भी, इसलिए आज अपना घर का सारा काम छोड़ करके वो इस रैली में भाग लेने के लिए आई हैं। कौन से गांव से हैं आप? नांगलिया गांव से। अच्छा, क्या सोच क्या है, किसकी रैली है और किसको वोट देने जा रहे हैं इस बार आप लोग? मोदी को है, भूपेंद्र यादव को। अच्छा, क्या लगता है माहौल कैसा है? बहुत अच्छा माहौल है इनका। अच्छा, हाँ। तो इनको ही वोट दे रहे हैं, तो क्या सोच के वोट कर रहे हैं आप लोग? महिलाएं हंस रही, तकलीफ क्या है महिलाओं की और क्या सोच के इस चुनाव में वोट देंगी? अच्छा काम कर रहा
ऐसी अच्छा काम कर रहा से जब है नहीं वोट देंगे। अच्छा हाँ भूपेंद्र जी अच्छा काम कर रहे हैं, वोट आगे देख लेंगे, अच्छा करो तो और दे देंगे। आपको क्या लग रहा है मोदी जी को वोट करने जा रहे हैं आप लोग? अच्छा काम बढ़िया किया मोदी जी ने, मोदी जी अच्छा काम कर रहे, अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया फिर ही बता सबके बच्चे बढ़िया काम कर रहा जी। ताकि काम आपको क्या लग रहा है माहौल किसका है और क्या सोच के वोट करेंगे इस बार? मोदी 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 जी को करेंगे, मोदी जी को करेंगे। आपको क्या लगता है? मोदी जी, मोदी जी विकास, देश का विकास, देश का विकास। तो महिलाएं क्या सारी इस बार मोदी जी को वोट करने जा रही हैं क्या? जितनी आई है मोदी जी के लिए आई है, मोदी जी के लिए आई है। सारा घर का काम छोड़ के आए हैं, काम छोड़ के आए और क्या जी? एक दिन के लिए मोदी जी के लिए काम छोड़ दिया आज आप लोग? छोड़ दिया। और मोदी जी हमारे लिए छोड़ना चाहिए वो छोड़ देगो। अच्छा ना भरोसा है मोदी जी हमारे काम करेगो तो छोड़ देगा, हम भी आया ऐसा छोड़ के। अच्छा सा पोतो छोड़ गया ऐसा जन्मदिन करांगा जाग के, छोटो सो पोतो छोड़ गया जन्मदिन जाग के करांगा। अच्छा क्या? ओ, 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 जी जी जी। तो ये वो महिलाएं हैं जो अपने घर का सारा काम छोड़ के आई हैं और ये कह रहे हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके परिवार में उनको भी वो अकेला छोड़ के आई हैं, पड़ोसियों के भरोसे छोड़ के आई हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार एक बार फिर से बनानी है और अमित शाह की रैली को यहाँ पर सुनना है, इसलिए सारा काम कोई मायने नहीं रखता। क्या लगता है? बना के जाऊंगा आज। क्या मोदी जी की सरकार बना के जाएंगे? क्या पक्का? पक्का बना के जाऊंगा सरकार बन जाएगी, बन जाएगी। हम तो मत काट ले तो मिलती नहीं वो। अच्छा सब कुछ अच्छा लग रहा है आप लोगों को? लग रहा है मोदी जी आ जाएंगे सब कुछ बढ़िया हो जाएगा यूं? तो ये हैं महिलाएं जो आज अमित शाह की रैली में भाग लेने के लिए आई हैं और इनका यही कहना है कि मोदी के लिए एक दिन का काम वो छोड़ करके आई हैं और प्रधानमंत्री एक बार वो फिर से बनेंगे तमाम जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ क्षेत्र के एक दिवसीय तूफानी दौरे पर है गजेंद्र सिंह शेखावत का सांकड़िया रातड़िया और भड़ियाणा सहित अन्य गांवों में जोरदार स्वागत किया गया। भड़ियाणा सीमा से ये चुनावी सभा स्थल तक गजेंद्र सिंह शेखावत ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे। काफिले में 50 ट्रैक्टरों के साथ 200 से अधिक वाहन शामिल हुए। अजमेर से बड़ी खबर है जहां पर पाल बिचला में चर्च में आग लगी है। सेंट मेरी चर्च में भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अलवर गेट थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये चर्च की जहां पर भीषण आग लगी है। कैसे आग लगी फिलहाल नहीं है कोई जानकारी, लेकिन फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। अलवर गेट थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। अजमेर से ये सीधे तस्वीरें चर्च की आग लगी हुई दिखा रहे हैं। फिलहाल आग पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। फायर ब्रिगेड की बकायदा 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद है और पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। भीतर से आग की लपटें आपको नजर आ रही होंगी, चर्च ही है जहां से अंदर से आग की लपटें बाहर को नजर आ रही हैं और फिलहाल अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। सभी लोगों को बाहर कर दिया गया है, चर्च को खाली कर दिया गया है और इस आग को बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। सेंट मैरी चर्च ही है अजमेर का जहां पर यह आग का तांडव देखने को मिला है। अब इसके पीछे कारण क्या है ये तो जांच पड़ताल के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल प्राथमिकता है कि चर्च में जो आग लगी है उसे बुझाया जाए और पानी का जो बहाव है वो लगातार किया जा रहा है, जिसमें आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं क्योंकि ऊपरी जगह पर जो है आग लगी है। अशोक इस वक्त संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। अशोक, खबर सामने आई है कि चर्च में आग लगी है, किस वक्त की यह घटना है और फिलहाल क्या आग पर काबू पा लिया गया है? अशोक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है अशोक से संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिलहाल उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं अजमेर में इन दिनों आग का तांडव काफी अधिक देखने को मिल रहा है। बीते दिनों जो खबरें निकलकर सामने आई थी उसमें भी साफ था कि अजमेर में कई मार्केट्स में भी आग लगी थी, दुकान में भी कल आग लगी थी जो अब तक रह रहकर सुलग रही है। वहां पर भी आग बुझाने का काम लगातार किया जा रहा है और अब ये चर्च में आग लगने की खबर सामने आई है। फिलहाल जो मार्केट में आग लगी थी उस पर 26 से 27 घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, क्योंकि वहाँ मेडिसिन की दुकानें थीं और होजरी का काम हो रहा था
और इसलिए मार्केट में धुंध और सिलेंडर थे कई सारे, तो वो ब्लास्ट कर रहे थे, इसलिए आग पर काबू नहीं पाया जा सका था। लेकिन अभी जो खबर आई है उसमें अपडेट आई है कि जो मार्केट में आग लगी थी अजमेर में, उसमें जो बजट है वो खर्चा करने के लिए यानी कैपेक्स ओरिएंटेड बजट रहा है कि आप उसको खर्च, बीजेपी की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसका फर्क ये पड़ता है कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसा खर्च करते हैं तो तकरीबन 200-300 अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज के अंदर वो पैसा जाता है, यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी होती है, सरकार का जो पैसा है सब जगह पहुंचता है। छोटा उदाहरण आपको देता हूं, जब आप घर बनाते हैं तो आपको घर में बनाने के लिए कई चीजें चाहिए, आपको ईंट चाहिए, आपको सीमेंट चाहिए, आपको रेत चाहिए, आपको लकड़ी चाहिए, आपको कुंडी लगाने के लिए चाहिए, अलग अलग इंडस्ट्री, इन सब के अंदर वो आपका पैसा जाता है। उसी तरीके से सरकार की तरफ से पिछले 3 साल से और अभी भी जो अंतरिम बजट था वो कैपेक्स ओरिएंटेड है, और आपको शायद उसकी संख्या भी मालूम होगी, 11,11,111 लाख करोड़ का कैपेक्स बजट है सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसमें शिपिंग भी शामिल है, रोड भी शामिल हैं, हवाई अड्डे भी शामिल हैं, जो चीज इंफ्रास्ट्रक्चर की वो उसमें सब में शामिल है। तो इससे हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है। तो जयपुर से ये आपको डॉक्टर वीके सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे थे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक, जल्द हाजिर हुए, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।